दिल्ली में प्रदूषण की हालत बहुत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने उतनी ही सख्ती से इस पर संज्ञान लिया है और कोर्ट ने सरकार से कहा है कि क्या क्या उपाय करने हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल की, 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ियों को तुरंत सड़क से दूर किया जाए, और भी क्या उपाय करने हैं। सुनीता नारायण जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ञ, और इन्होंने रिपोर्ट भी दी है सुप्रीम कोर्ट को क्या उपाय किए जाने चाहिए। मैम, क्या रिपोर्ट है आपकी, और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्ती दिखाई है? देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा रही है काफी सालों से। सवाल ये था आज कि उसका जो पालन है, उनका जो इन्फोर्समेंट है, वो काफी नहीं है, वो पूरी तरह से नहीं हो रहा। हमने फोटोग्राफ दिखाई जहां पर कूड़ा जलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर, जहां पर प्लास्टिक जलाया जा रहा है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर दिल्ली के अंदर, जहां पर फैक्ट्री का धुआं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दो तीन चीजें कही हैं। एक ये कहा है कि लोगों की भागीदारी बढ़ानी पड़ेगी, तो ट्विटर के ऊपर अकाउंट खोलेंगी सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जहां पर लोग पोस्ट कर सकेंगे कि क्या हो रहा है, और उस पर एक्शन भी लेना पड़ेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, दिखाना पड़ेगा कि क्या एक्शन लिया है, कब लिया है, और फिर लोग बता सकेंगे क्या वो एक्शन लिया गया है कि नहीं लिया गया। तो लोगों की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। सरकार और कोर्ट इतना कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ टोपी इसकी टोपी उसके, सर उसकी टोपी उसके, सर सब अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे। देखिए, वो तो है, सरकार भी मुझे लगता है इसको लेके कुछ हद तक तो गंभीर है। सवाल यही है कि जो हमारी सरकार की जो संस्थाएं हैं जिनको इस पे काम करना है, वो बिल्कुल टूट गई हैं, कमजोर हो गई हैं। तो मुझे लगता है अगर आप प्रदूषण का सवाल अगर आप लें, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आज हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि उनका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक फैक्ट्री को इंस्पेक्ट करने के लिए 5 साल में एक दफे जा सकता है। अब आप ये बताइए, इससे क्या प्रदूषण रुकेगा? तो मुझे लगता है ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है, और जो संस्थाएं हैं जिनको इस पे काम करना है, उसको मजबूत करके आगे बढ़ने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कोर्ट के आदेश भी हैं, उपाय भी हैं, अब सारे लोग तलाश कर रहे हैं कि वो इच्छा शक्ति कहाँ है, किसके पास है, कहाँ रखी है। खोली जा रही हैं अलमारियां, खंगाली जा रही हैं फाइलें, वो इच्छा शक्ति कहाँ गई? जब तक इच्छा शक्ति नहीं आएगी, तब तक इन आदेश और इन उपायों का क्या किया जा सकता है? फिलहाल तो यही दिखाई पड़ता है कि आदेश फाइलों तक हैं, लेकिन सरकारें सिर्फ एक दूसरे को टोपियां पहना रही हैं, और दूसरे की एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के बजाय, उनके साथ तालमेल बढ़ाने के बजाय अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।